एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ माही और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। दोस्तों, आज का जो वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है डार्क सर्कल्स के लिए है, जो हमें आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं उसके ऊपर है। मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमें डार्क सर्कल्स होते क्यों। कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने से डार्क सर्कल्स होते हैं, अनहेल्दी डाइट खाने से डार्क सर्कल्स होते हैं, स्किन का ड्राई होना भी डार्क सर्कल्स होने का रीजन है, आंखों को मसलना, इस तरीके से जब हम आंखें मसलते हैं ना, अजीब है ये बात सुनने में लेकिन सच है, इससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। मेकअप बिना हटाए सोने से डार्क सर्कल्स होते हैं, गलत कॉस्मेटिक यूज करने से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। सबसे ज्यादा होता है उसमें गलत कॉस्मेटिक यूज करने में काजल। हम कभी की कभी क्या करते हैं, कोई भी किसी भी ब्रांड का काजल यूज कर लेते हैं, उससे वो सबसे बड़ा रीजन डार्क सर्कल्स होने का। तो इस बात का ध्यान रखिए। नींद की कमी भी डार्क सर्कल्स होने का रीजन है, जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो भी डार्क सर्कल्स होते हैं, ज्यादा रोने से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, स्ट्रेस जब हम लेते हैं उस समय भी डार्क सर्कल्स होते हैं, सिगरेट और शराब पीने से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का। और दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन है डार्क सर्कल्स होने का मोबाइल। आज से 10 साल पहले सिर्फ 25% या 30%, थोड़ा रिसर्च कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा सिर्फ 25-30% लोग परेशान थे डार्क सर्कल्स की वजह से, अंडर आई डार्क सर्कल्स की वजह से, वो भी उनको हेल्थ इश्यूज होते थे तो उनको डार्क सर्कल्स होते थे। लेकिन आज का अगर आप रिसर्च करो तो 75-80% लोग इस चीज़ से परेशान हैं। रीज़न, मोबाइल। 10 साल पहले मोबाइल इतना कामयाब नहीं था, मतलब सबके पास नहीं था, अभी सबके पास है। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, रात को हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वो भी लाइट्स बंद करके। तो दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात का, मोबाइल यूज़ कीजिए लेकिन अंधेरे में मत यूज़ कीजिए, थोड़ा उसको अवॉइड कीजिए। रात होती है सोने के लिए, जागने के लिए नहीं, तो सो जाया कीजिए। नींद पूरी लेंगे तो डार्क सर्कल्स आपके 50% ऐसे ही चले जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो बड़ी इजली चले जाएंगे, शायद आपको ट्रीटमेंट्स पे ना जाना पड़े। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम डार्क सर्कल्स से बच सकते हैं। सबसे पहले, कंप्यूटर पर जब भी आप काम करते हैं तो चश्मा लगाकर काम कीजिए। लाइक अगर आप किसी भी नंबर का चश्मा नहीं लगा हुआ तो भी आप चश्मा, नॉर्मल चश्मा लगाकर काम कीजिए, लाइक 0 नंबर का चश्मा आता है वो लीजिए और वो लगाकर काम कीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। धूप में जब भी आपको निकलना हो तो किसी अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाकर निकलिए और गॉगल्स लगाकर निकलिए। पानी खूब पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, खूब सारे फ्रूट्स और सैलड्स खाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, रोइए मत, नींद पूरी लीजिए, नींद अच्छी लीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और कॉस्मेटिक अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिए, जिससे आपकी स्किन को इरिटेट ना हो, कोई रिएक्शन ना हो और आप डार्क सर्कल से बच सकें। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। मैंने ऐसा है कि मैंने यहाँ पर कोई खीरा, गाजर, टमाटर ऐसा कुछ भी नहीं लिया, आलू वगैरह यहाँ कुछ नहीं लिया डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों डार्क सर्कल्स जाते ज़रूर हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। पहली बात तो दोस्तों, डार्क सर्कल्स जो हैं हमें जल्दी आते नहीं है आइज़ के नीचे, बहुत टाइम लगता है उनको आने में, लाइक मतलब टाइम लगता है, जब भी स्टार्ट होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी टाइम ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपने उनको बहुत डार्क होने दिया तो वो बहुत लंबा टाइम लेंगे जाने के लिए। तो ये अनचाहे जो आपके गेस्ट हैं डार्क सर्कल्स, इनको आने से पहले ही रोकिए, या अगर हल्के हल्के आ गए हैं तो इनको फटाफट से वहीं से बाहर भगा दीजिए, इनको ज़्यादा डार्क मत होने दीजिए। जो ट्रीटमेंट है वो है विटामिन ई ऑयल, और ये है 70,000 IU का। विटामिन ई ऑयल यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें डार्क सर्कल्स के लिए कौन सा विटामिन ई ऑयल लेना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ कैप्सूल्स की बात नहीं कर रही, जो एवियन के 400 IU वाले कैप्सूल्स आते हैं, मैं यहाँ उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। जब भी आपको स्किन के ऊपर लगाना होता है विटामिन ई ऑयल तो हमेशा उसका आयु जो है 1500 से ऊपर होना चाहिए। ये मैक्सिमम होता है ये 70,000 IU तक। तो जो मेरे पास ये ऑयल है ये 70,000 IU का ही है, आप देख सकते हो ये नीचे लिखा हुआ है 70,000 ऑयल। और ये जो मेरे पास है रोशन्स का नेचुरल्स विटामिन ई ऑयल है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देती हूँ। 115 ml की बॉटल है ये, और 100% फ्री ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो मिनरल ऑयल, नॉट एनिमल टेस्टेड, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये ऑयल। 15 ml पैकेजिंग इस तरह की है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो इसको इजीली। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं अपने आगे आगे की और वीडियोस में इसके आपको और भी डिटेल्स बताने वाली हूँ, और भी इसके फायदे बताने वाली हूँ।
अभी फिलहाल मैं डार्क सर्कल्स के बारे में बात कर रही हूँ तो अभी उसी के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों इसके ऊपर एक बात लिखी हुई है कि आपको ब्रोकन इरिटेटेड स्किन के ऊपर नहीं यूज़ करना, रैशेस के ऊपर यूज़ नहीं करना है। लाइक कभी कभी वो हमारा ऐसे नेल्स वगैरह लग जाते हैं, छिल जाता है, उसके ऊपर यूज़ नहीं करना। स्किन कटी हो, जली हो, उसके ऊपर यूज़ नहीं करना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होगा और आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, कोई एलोवेरा जेल, कोई ऑलमंड ऑयल, कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये अकेला ऑयल ही बहुत है डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए, और ये बड़ी इजीली मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप सर्च करोगे आपको ईजिली मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। इसको यूज़ करना सिंपली आपको एक ड्रॉप लेना है, मेरे हाथ पे दो ड्रॉप आ गए हैं अभी। एक ड्रॉप आपको इस तरीके से अप्लाई करना है अपने अंडर आइज के नीचे, इस तरीके से बस। आपको रात को यूज करके इसको सो जाना है, आपको लगाना है, कोई मसाज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। सिंपली अप्लाई करके एक बार आपको इसको छोड़ देना है और रात को इसको यूज कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात को यूज करके सो जाइए, सुबह ये अब्जॉर्ब हो चुका होगा स्किन में, और सुबह अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, या फेस वॉश जो भी आपका डेली स्किन केयर रूटीन है उस तरीके से आप अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए। तो दोस्तों जब आप इसको कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद फर्क पता लगेगा। आप इसको जरूर यूज कीजिए और आपके डार्क सर्कल्स पूरी तरह से चले जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, लेकिन वो पूरी तरह से चले जाएंगे। तो प्लीज ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको 1 मंथ यूज करते हो तो आपके डार्क सर्कल्स, मैं ये नहीं बोलूंगी एक हफ्ते में चले जाएंगे, 10 दिन में चले जाएंगे, 1 दिन में चले जाएंगे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो तो वो लोग भी इसको जादू की तरह ठीक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये बातें बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। ऑफ कोर्स डार्क सर्कल्स जिस तरीके से धीरे धीरे आते हैं वो धीरे धीरे ऐसा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आलू का रस, खीरे का रस, इसलिए कुछ ऐसा DIY नहीं बताया, क्योंकि हम उसको एक दिन कद्दूकस करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन हम खुद ही बोल देंगे यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से सच में नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ कोई DIY नहीं बताया। सिंपल है, आपको ये बॉटल खरीदनी है, और ये बहुत महंगी भी नहीं आती है, बहुत इजीली आपको ये शायद 400-500 के आसपास मिल जाएगी। ये शायद उससे कम में मिलेगी, क्योंकि बाहर में चीज़ें महंगी मिलती हैं, इंडिया में सस्ती मिलती हैं, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो 400-500 से कम के रेट में ही आपको मिलेगी। आप एक बॉटल ये खरीदिए, इससे शायद आपको इससे छोटा साइज मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे को यहाँ पे यही साइज मिला तो मैंने यही लिया था, और ये पूरा यहाँ तक फिल था, यहाँ तक पूरा अच्छे से फिल था, तो मैंने इतना यूज़ कर लिया है। और यूज़ करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर किया है। तो ज़रूरी नहीं आपको यही ब्रांड लेना है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।